हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। हर कोई इंसान ये जरूर अपने लाइफ में कहता है कि आई कांट डू दिस। हर एक इंसान दिन में एक बार तो जरूर ये कहेगा आई कांट डू दिस। एक भरी ट्रेन, भीड़ से भरी हुई ट्रेन देखते ही पहले घबराएगा और पहले ये कहेगा आई कांट डू दिस। कोई मुश्किल सफर रास्ते में दिख जाए, मुश्किल सफर दिखे और चलना मुश्किल हो जाए, वही तुरंत ये स्टेटमेंट आ जाता है आई कांट डू दिस। आज इसी के बारे में बात करेंगे। एक डिस्कशन ऐसा होगा जो शायद आपको इंस्पायर करेगा और ये जो स्टेटमेंट है वो चेंज करने में मजबूर जरूर करेगा। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। और आपको नए किसी टॉपिक के ऊपर जानना है फिर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। सबसे पहला स्टेटमेंट ये हमारे पास क्यों आता है? क्योंकि हम डर जाते हैं। हम डरते इसीलिए क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल लगता है। हर कोई इंसान हमारी लाइफ में इजी स्टेप लेना पसंद करता है। हर कोई इंसान ऐसे सोचता है कि यार मैं इतना मुश्किल कैसे कर सकता हूँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। ये जो एग्जाम्पल है नॉर्मली मैं मेरे लाइफ में हमेशा यूज करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ करने में मैं अगर अपने आप को ये कहूँ कि यार ये मेरे से नहीं होगा, उस वक्त मैं ये स्टेटमेंट अपने आप को ज़रूर बोलती हूँ। एक दौड़ है, अगर 2 किलोमीटर की दौड़ है, अब 2 किलोमीटर का नाम सुनते ही आप घबरा जाओगे और ये बोलोगे 2 किलोमीटर की दौड़ है यार मैं तो नहीं दौड़ सकता। पर सोचिए अगर आपने पहले ही 2 किलोमीटर को ना बोल दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना किलोमीटर दौड़ सकते हो? अगर आप कहीं से शुरुआत करोगे तो क्या पता आपको अंदाजा हो जाएगा शायद सब 0.5 किलोमीटर तो अच्छे से चल पाए, या आप ऐसे दौड़ लगा रहे हो क्या पता आप 2 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ पाए। आपको आइडिया ही नहीं आएगी जब तक आप उसको करोगे नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब होती है, जब आप स्टेटमेंट बोलते हो कि आई कांट डू दिस, इसको बोलने से पहले आई कैन ट्राई इट, ये सेंटेंस बोलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने आप को हमेशा ये ज़रूर बोलती हूँ कि आई कैन ट्राई इट। और मैं जब उसको एक लिमिट तक जब ट्राई कर लेती हूँ तब मैं अपने आप को ये ज़रूर बोलती हूँ कि अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको ट्राई किया है और मुझे पता है कि मेरी पोटेंशियल्स कहाँ है। बट अगर आप बिना ट्राई किए और आपको पता ही नहीं कि आप उसको कर कैसे सकते हो तो उसको आप ज़रूर हारोगे। सेकेंड थिंग, इसमें एक चीज़ मैंने अपने लिए नोटिस की है कि अगर मैं सेम पैटर्न और सेम स्ट्रैटर्जी से अगर उसको करूँगी तो हर बार रिजल्ट हुआ ही आएगा। हर बार आप फेल ही होंगे अगर आपकी स्ट्रैटर्जी और पैटर्न सेम ही है। अगर आप अपनी पैटर्न और स्ट्रैटर्जी को ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा कि ये जो काम मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, अगर ये काम मैं अलग तरीके से करूँगा तो शायद जीतने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कुछ चीज़ को अगर पाना है, अगर आप उसको शिद्दत से अपने आप में भर लो तो शायद से आप उसको पा ज़रूर लोगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा पर आप उसको कर दिखाओगे। अगर अपाहिज लोग, मैंने एक कहानी सुनी थी अभी रिसेंटली कि एक लड़की थी जिसको पैर नहीं था, हाथ नहीं था, फिर भी उसको हाथ नहीं था पर पैर था, पर पैरों से वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग बना रही थी। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती है? कोई भी चीज़ एक नाथ में बिल्कुल नहीं बनती है। हर एक चीज़ को बहुत सारा संघर्ष होता है। इवन थॉमस एडवा एलिसन ने इलेक्ट्रिसिटी जब वो जनरेट कर रहे थे, फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब जब वो बना रहे थे, तो उनको बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ेगा ना। जब अगर वो पहले बोल देते कि आई कांट डू इट, तो आपको लगता है कि आज वो सक्सेसफुल हो पाते? हर कोई इंसान मैंने स्टोरी सुनी थी जेके रोलल, उन्होंने जब उनकी कहानी जब वो लिख रहे थे तो उनको बहुत सारा रिजेक्शन आया। उसके बाद जाके एक जब अपॉर्चुनिटी मिली उसके बाद वो कभी नहीं रुके। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं बोला कि आई कांट डू दिस, उन्होंने हमेशा बोला आई विल ट्राई। अपने ये सेंटेंस को चेंज कर दीजिएगा आई कांट डू इट को आई कैन ट्राई। बहुत सारे लोग होते हैं वो जब जर्नी देखते हैं अपने लाइफ में तो इतना घबरा जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है ये मुश्किल है, भले वो रिलेशनशिप है या अपने बच्चे को संभालना हो,
मैंने देखे हैं बहुत सारे फैमिलीज में जब ऑफिस और घर दोनों संभालना होता है तो लेडीज सीधे बोल देते हैं कि मुझसे तो भाई घर पे आके कुकिंग नहीं होने वाली है, क्योंकि आधी जंग तो वही हार जाते हैं जब वो पहले से दिमाग में सोच के रखते हैं कि मुझे ये करना ही नहीं है। हम सिंपल सी बात है, अगर सोने का ड्रामा करने वाले इंसान को अगर आप उठाना चाहोगे तो कभी नहीं उठेगा वो, पर सच्ची में अगर जिसको नींद आई है वो तो आपके एक चुटकी बजाने से उठ जाएगा। तो यही होती है, अगर आपको सच्ची में कुछ पाने की लालसा है, कुछ पाने की चाहत है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो आप कुछ भी करके वो काम करोगे। यही होता है जुनून, यही होता है इंस्पिरेशन। उसके लिए मोटिवेशनल वीडियो या टॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए अंदर से विल पावर की ज़रूरत पड़ती है, एक विजन की ज़रूरत पड़ती है, और एक अंदर से आपको आवाज़ लगानी खुद के लिए कि अगर मैं उसको ट्राई नहीं करूँगा तो डेफिनेटली हारूंगा, और अगर मैं उसको ट्राई करूँगा तो डेफिनेटली जीतूँगा। जीतने का जज्बा अगर अंदर है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने एक मेरे एक स्टूडेंट थी जो हमेशा हमेशा उसके पेपर में फुल मार्क्स आते थे, कभी भी गलती से भी उसके पेपर में मिस्टेक नहीं होती थी। मैंने उसको पूछा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तो शी जस्ट सेड दैट कि मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मुझसे कभी कोई गलती ना हो, और मुझे पता है कि आई कैन डू इट। ये जो उसका स्टेटमेंट है वो हमेशा मुझे इंस्पायर करते आया है कि अगर मैं गलती से भी गलती नहीं करूंगी तो मैं जीतूंगी हमेशा। तो ये हर एक लिए होता है, अपने आप के अंदर में कोई भी काम हो भले वो कितना भी मुश्किल हो। मुझे याद है मेरे डैडी मुझे चैलेंज देने के लिए, एक उलझनों से भरा हुआ धागा होता था जो उलझनों से भरा होता था, आपको ही पता है जो उलझ एकदम मुश्किल से एक दूसरे को स्टक किया हुआ, जो जिसको हम बोलते हैं गांठ लग गई है, उसको निकालना कितना मुश्किल है। मैं उसको पेशेंसली, अपने आप का पेशेंस इंप्रूव करने के लिए मैं उसको आराम आराम से निकलती थी। ये मेरे डैडी ने इसीलिए मुझे सिखाया था, उन्होंने बोला था कि रिश्तों में भी ऐसे बहुत उलझने आएंगे, रिश्तों में भी ऐसे बहुत प्रॉब्लम आएंगे, बट अगर आप पेशेंस से हर एक चीज को ध्यान से समझ के कौन सा रास्ता किधर से जुड़ा है, कौन सा धागा किधर से जुड़ा है, अगर आप उसको देखोगे तो आप लाइफ के मुश्किल से मुश्किल पजल्स भी सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए आपको नजर होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नजर सही है और नजर निशाने पे है, आपको पता है, आप कंसंट्रेट कर रहे हो कि आपको क्या करना है, इसी तरह लाइफ में भी होता है। अगर आप फोकस्ड हो और आपको पता है कि आप उसको ट्राई करोगे, गिव अप नहीं देना है, क्योंकि गिव अप देना बहुत आसान है। आसानी से करने वाली चीज हासिल करने में क्या मजा, आसानी से अगर आपने कर लिया, आपने उसको हासिल कर लिया तो क्या मजा। कोई भी चीज संघर्ष से की हुई उसकी सुकून लाइफ टाइम तक रहता है, उसकी मेमोरीज लाइफ टाइम तक रहती है, और आपके दिमाग में हमेशा वो बात चिपक जाती है कि इस चीज को पाने के लिए बहुत संघर्ष किया। रिलेशनशिप में भी लोग अगर एक बार ना बोल दिया, दो बार ना बोल दिया तो इंसान से आप बात करना बंद कर देते हो, बट अगर आपको वो लड़की या लड़का सच्ची में पसंद है, आपको पता है कि शी इज़ द राइट चॉइस फॉर यू, शी इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू, और वो आपके लिए बेस्ट है, आपको पता है, तो आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपको वो इंसान मिल ही जाए। इसके पीछे ये रियलिटी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, एंड अगर आप गिव अप दे दोगे ये बोल कर कि आई कान डू इट, तो वो डेफिनेटली कांट ही रहेगा। अगर आप आई कैन डू इट ये बोलोगे तो डेफिनेटली जीतोगे आप ही। तो आज से सेंटेंस चेंज कर दीजिएगा दैट आई विल ट्राई, आई विल नॉट गिव अप, आई विल ट्राई। ट्राई करोगे तो एक लेवल तक पहुंचोगे, नहीं ट्राई करोगे तो जीरो तो की अटक जाओगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, सिंपल सा टॉपिक है बट जुनून भरा है, एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आपको इंस्पायर करता रहेगा। हमेशा अपने आप को ये बोलना है कि आई कैन डू इट, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। हर वो चीज़ हो, जैसे नई डिशेस आप चखते हो तो उस वक्त आपको बहुत सारे लोगों का हैबिट होती है एक्सप्लोर करने की, लाइफ को भी एक्सप्लोर कीजिए, कोई भी चीज़ फेल नहीं जाएगी। और मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे सीखोगे तो नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि नॉलेज बन के दिमाग में रहेगा। मेरे दादाजी बोलते थे
कि रस्ते में पड़ा हुआ भी पेपर अगर आपको दिख जाए और आप अगर उसको उठा के पढ़ लो तो आपको नॉलेज ही मिलेगा। अगर आप नजरअंदाज करके आप उसको छोड़ दोगे तो नॉलेज तो वही पड़ा रहेगा, पर आप उसको उठा के अगर पढ़ लोगे तो नॉलेज इधर आएगा। एंड बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि नॉलेज लेना कोई गुनाह नहीं है, नॉलेज हमेशा यहाँ पे आपकी विरासत की तरह आपके साथ अंत तक रहता है। तो इसके लिए हमेशा करते रहिएगा, जस्ट कीप डूइंग। कांट ये अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए। ट्राई एंड देन सक्सीड। फेलियर तो आएगा, फेलियर इज द नेक्स्ट टेल्स यू दैट यू आर ट्राइंग। आने दो फेलियर, एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीन बार हारोगे, हर बार बाद में अपने आप को एकदम सक्सेसफुल होते देखो, क्योंकि सक्सेस इज नॉट वन नाइट जर्नी। कोई भी आधी रात में स्टार नहीं बनता, स्टार बनने के पीछे भी मेहनत करनी पड़ती है। और आप मेहनत करते जाओ, सक्सेस मिले ना मिले इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। ट्राई, इफ यू ट्राई यू विल डेफिनेटली गेट इट, इफ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट गेट इट। इसलिए मुश्किल अगर बाहर से दिखती हो बट आपको पता है कि आप मुश्किल से मुश्किल चीज आप कर सकोगे तो अंदर तक जरूर पहुंचोगे। तो ट्राई कीजिएगा और सफलता जरूर आपकी होगी। मिलती हूँ दोबारा जरूर। थैंक यू।